सीएम का बन गया है मन, दतिया हो गया नंबर वन। ये मैं इसलिए दोहरा रहा था कि यहाँ अनेक सावला जी जैसे गणमान्य लोग खड़े हैं, उनके ध्यान में ये बात आ जाए कि ये मशीन मध्य प्रदेश की नंबर वन मशीन है जो दतिया में लगी है। मुझसे पहले उन्होंने बोला था, आधिकारिक पुष्टि उन्होंने कर दी थी, और मैं सिर्फ उस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ये AAS डबल AAS मशीन जो है, मेरे ख्याल से तो देश में ही शायद पहली हो ये। तो साहब यहाँ पहले शुरू हो रही है, पहले देश में, प्रथम देश में सबसे पहली है ये, न कि मध्य प्रदेश में जो शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये सभी जगह शुरू होना है, उसका कारण सिर्फ एक छोटा सा है कि जो हमारे यहाँ किसान बंधु है वो परंपरागत फसल पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। पिताजी गेहूं करते थे तो उसने गेहूं बो दिए, पिताजी धान करते थे तो उसने धान बो दी, जो पूर्वज करते आए थे वही किसान करने लगता है। जबकि बदली हुई परिस्थितियों में पूरा देश बदल रहा है। ये भारत देश कृषि आधारित देश है, ये सब हम सब लोग जानते हैं। और जब हम मिट्टी का परीक्षण किए बिना, मृदा परीक्षण किए बिना फसल करते हैं तो हमको ज्यादा ऑर्गेनिक डालना पड़ते हैं, ज्यादा खाद डालना पड़ती है। कहीं यूरिया पे यूरिया डाले जा रहे हैं, कहीं फास्फोरस पे फास्फोरस डाले जा रहे हैं, और उसकी दम पे अपन फसल पैदा करते हैं। मूल अपनी संस्कृति से तो कट ही रहे हैं कि हम जो अपनी नेचुरल खाद है, हमारी जो पशुओं से हो पैदा होती है, केंचुओं से पैदा होती है, गोबर की खाद है, जब हम इनसे हटते हैं तो खर्चा तो बढ़ता ही है, पर धीरे धीरे फसल की उत्पादक क्षमता भी घटती जाती है। हमारा मध्य प्रदेश वैसे इस खाद में भी नंबर वन ही है अभी देश के अंदर, पर अगर हम मिट्टी का परीक्षण भी करा लें तो फसल हमें ज्यादा लगेगी, खाद हमें कम लगेगी। कौन सी खेत में कौन सी फसल का ज्यादा उत्पादन हो सकता है, ये अगर किसान भाई करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ उन्हें मिलेगा है। हमारे मुख्यमंत्री को नवाजा है। मित्रों, किसान मेहनत करता है और मेहनत का उसको पर्याप्त फल मिले, उसके लिए ये हमारा मृदा परीक्षण केंद्र आज इस दतिया के अंदर प्रारंभ हुआ, जो मैंने कहा कि देश में सबसे पहली मशीन हमारी काम करने लगी, प्रदेश में काम करने लगी, जिले में काम करने लगी।